हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, हम खेलने जा रहे हैं वापस एक बार एस्केप गेम। इसमें हमें 50 रूम्स को एस्केप करना होता है। पिछले वाले वीडियो में हमने बहुत सारे रूम्स को एस्केप किया था। इस वाले वीडियो में हम बाकी के बचे हुए रूम को एस्केप करने वाले हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा गेम। हमारे सामने ही पिरामिड वाला गेट है, उसे हमें एस्केप करना है। यहाँ पे हम ढूंढते हैं, यहाँ पे राइट साइड में कुछ तो बाउल था छोटा सा, इसे हम ओपन करना पड़ेगा। ये तो ओपन ही नहीं हो रहा, इसको तो फोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। यहाँ पे हमारे पास तो कुछ नहीं है, यहाँ पे हम बाकी की जगह ढूंढते हैं। इसके थोड़ा सा ऊपर एक छोटा सा बॉक्स है, उसे तो खोलने के लिए हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। सबसे पहले हमें स्क्रू ड्राइवर को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक छोटा सा बॉक्स है, उसे हम ओपन करके देखते हैं। इसमें से हमें स्क्रू ड्राइवर तो मिल गया है, जल्दी से हम उस बॉक्स को ओपन करते हैं। इसको ओपन करते ही हमें एक हैमर मिला है और एक कुछ तो बड़ का छोटा सा पीस मिला है। यहाँ पे इसे हम फोड़ के देखते हैं इस हथौड़े से। इस हथौड़े को इस पे मारते हैं हम। इसमें से हमें कुछ तो एक कागज मिला है और कुछ तो एक छोटा सा पीस मिला है, वो बड़ जैसा ही। सो गाइस, तो इसमें तो हमें इस छोटे छोटे पार्ट्स को लगाने का। यहाँ पे हम जो हमको पार्ट्स मिले उसे हम लगाते हैं। और यहाँ पे जो हमारे को कागज़ मिला है उसमें तो कुछ तो कोड दिया हुआ है, इसको हमें किस में तो डालना पड़ेगा। इसमें तो नहीं डालेगा। यहाँ पे एक छोटी सी जगह है, उसमें तो एक कोड डालने का है। यहाँ पे हम सबसे पहले कोड को डालते हैं। यहाँ पे एक बड़ी वाली लाइन है उसे, और दूसरे में उल्टा दिल है। यहाँ पे उल्टा दिल डालते हैं, और तीसरे वाले उल्टा 7 है, और चौथे वाले में थोड़े से ही अलग ही डिज़ाइन है, उसे हम डालते हैं। यहाँ पे ओपन होते ही हमको एक पिक्स मिला, वो भी पैरट का, उसको हम इसमें लगा देते हैं। यहाँ पे हम लगा देते हैं उसमें। यहाँ पे हमें एक और पिक्स को ढूंढना का है। इसको ढूंढने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। यहाँ पे तो हमें वो लास्ट वाला पीस तो नहीं मिल रहा, यहाँ पे हमें अलग अलग जगह पर टिक करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ है, उसके पीछे तो हमें एक पार्ट मिल गया है, उसे हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसको लगा देते हैं, और हम डोर को स्केप कर गए हैं। यहाँ पे हम लगा देते हैं। यहाँ पे गाइस, सो गाइस, तो यहाँ पे हमने पिरामिड का डोर स्केप कर लिया और दूसरे वाले रूम में आ गए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे मैसेज लिख के आया कि यू डोंट कैंट ओपन दिस बॉक्स। यहाँ पे एक पार्ट मिला है पजल का इस कोट में से, और यहाँ पे तो राइट साइड में पिलोज है, इसे हम ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे भी एक मिल गया हमें, टेबल पर कुछ तो रखा था। यहाँ पे हम देखते हैं आगे, यहाँ पे हमने चेक कर लिया है। यहाँ पे ऊपर तो एक और मिल गया, यहाँ पे हमने पजल का ले लिया है। यहाँ पे कुछ तो टाइम दिया गया है, यहाँ पे हमें क्लॉक दी गई है, वो टाइम इस क्लॉक में डालना पड़ेगा। वापस से मैसेज आ गया है, इसे भी हम चला नहीं सकते, इसको चलाने के लिए हमको कुछ तो लगना पड़ेगा। यहाँ पे सामने एक पेंटिंग थी, इसको हमें पजल को सॉल्व करने का है। यहाँ पे हम पजल को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा वो देखना पड़ेगा। ये पजल को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा ऐसा लग रहा है। यहाँ पे मैं ये वीडियो को काट दूंगा। यहाँ पे मैंने तीन कार्ड को हमने सही लगा दिया है। सो गाइस, तो मैंने पेंटिंग को पूरा ही लगा दिया गया है। ये दो पार्ट तो बचे रहे थे, उसे हम सीधी लाइन में लगा देते हैं। यहाँ पे तो हमें एक कोड मिल चुका है, वो कोड को हम उस बॉक्स में डालना पड़ेगा। उस बॉक्स में हम डालते हैं, यहाँ पे हम वापस जाकर उस बॉक्स में डालते हैं उस कोड को। यहाँ पे हमने इस कोड को डालना पड़ेगा, पहली लाइन में थर्ड वाला, दूसरा लाइन में सेकंड वाला, और थर्ड लाइन में फोर्थ वाला। यहाँ पे हमारा बॉक्स तो ओपन हो गया। इसमें से हमें दो रिंग मिल गई है, इस दो रिंग को हमने कैसे डालना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। इस दो रिंग का क्या इस्तेमाल है उसे देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो क्लॉक थी
उसमें उस रिंग को डालना पड़ेगा, या फिर हम क्लॉक में जाके देखते। यहाँ पे हम क्लॉक में आ चुके हैं, वो दोनों साइड की रिंग है उसे हम डाल के देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्लॉक तो चालू हो गया, इसमें हम टाइम डालते हैं। यहाँ पे हम वापस से जाकर टाइम देख कर आते कि वो टाइम कितना था। यहाँ पे जो टाइम दिया गया है वो 6:15 है, उसे हम डालते इस क्लॉक में। यहाँ पे तो हमें कुछ तो मिल गया है चाबी, इस चाबी को हम लगा के देखते। यहाँ पे तो हमारा दरवाज़ा तो ओपन हो गया। यहाँ पर हम अगले वाले दरवाजे पे आ गए हैं, इसे हमें स्किप करने का है। यहाँ पे तो आते ही मेरे को एक चीट मिली और उसमें बहुत सारे कोड है, उस कोड को इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे हम पीलो के नीचे देखते हैं, यहाँ पे हमें फिशिंग रॉड मिल चुकी है। यहाँ पे हमें पीलो के नीचे ही फिशिंग रॉड मिल चुके हैं, इसे तो कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे जो सामने जो ट्री था उसमें से हमें एक चाबी मिल चुकी है, उसे हम इस ड्रावर में डाल के देखते हैं और इस ड्रावर में से हमें क्या मिलता है देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमें एक वायर मिल चुके हैं, इस वायर का क्यूज तो इस्तेमाल होगा। यहाँ पे जो लैपटॉप है ये तो ओपन ही नहीं हो रहा। यहाँ पे एक कोड डालना पड़ेगा इस लॉकर में, हमें इस लॉकर का कोड हमें ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे इस दरवाजे को ओपन करने के लिए की कार्ड चाहिए होगा, हमें एक की कार्ड ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे ही एक सीजर थी, इस सीजर को हम इस वाले रिबन से काट लेते। यहाँ पे तो हमें एक धागा मिल चुका है, इस धागे को हमें इस फिशिंग रॉड में डालना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमारी फिशिंग रॉड बन चुकी है, यहाँ पे तो हमें फिश पॉन्ड में डालते और उसमें से हमें एक उस तो मिल चुका है पैटर्न, उसे हम इस चीट में डाल के देखते हैं कि हमारा पासवर्ड बनता है कि नहीं। सो गाइस, तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड तो बन चुका है, यहाँ पे हम नोट कर लेते थे 6832, इस पासवर्ड को हमें डालना पड़ेगा उस वाले लॉकर में 6832, ये पासवर्ड का हम डालते हैं। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या निकलता है इसमें से। इसमें से तो एक सीडी निकल आए है, उसे हम डालते हैं इसमें लैपटॉप में। इस लैपटॉप में एक पज़ल है, उसे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इस पज़ल को सॉल्व करते, ये बहुत ही सिंपल सा पज़ल है। यहाँ पे जो कलर पैटर्न आया है उसे हमें, जो लॉकर में एक बॉक्स था उसे हमें डालना पड़ेगा। यहाँ पे हम उस वाले बॉक्स में जाते हैं और उसको हम डालते हैं। यहाँ पे येल्लो, हम वापस से देख कर आते हैं, यहाँ पे येल्लो पर्पल ग्रीन रेड, यहाँ पे हम याद में रखते हैं और उसमें डालते हैं हम। यहाँ पे येल्लो पर्पल ग्रीन रेड, यहाँ पे पर्पल, यहाँ पे ग्रीन और रेड, यहाँ पे हमने डाल दिया है। इसमें से हमें एक कार्ड मिल चुका है, उसे हम लगाकर अगले वाले रूम में जाते। यहाँ पे इसको हमने स्केप कर लिया, यहाँ पे हम आ चुके। इसमें से हमें सामने एक गिटार दिखा था, उसके पीछे हमें एक कुल तो प्लास्टिक के दो स्टिक्स मिल चुके हैं। यहाँ पे तो एक क्लॉक है, उसमें तो हमें टाइम ही डालना पड़ेगा। इसमें तो हमें एक कोड डालना पड़ेगा कलर। यहाँ पे तो पीलो के नीचे ही मेरे को एक चिट मिल चुकी है, और यहाँ पे एक पीलो के नीचे मेरे को और एक प्लायर्स मिल चुका है। यहाँ पे हम प्लायर्स बना सकते हैं, यहाँ पे हमने प्लायर्स बना चुके हैं। और यहाँ पे एक पेंटिंग है और उसके नीचे भी एक चीट निकली, उसे हम ज्वाइन करके देखते हैं। इस दोनों चीट को हम ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ तो पासवर्ड को ढूंढना है, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक नीचे ही बॉक्स दिया गया है, उसे हम ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे एक दरवाज़ा है, उसमें की लगी। यहाँ पे नीचे ही बॉक्स है, उसे हम ओपन करते हैं। यहाँ पे हमें जो प्लायर्स मिले थे उसे हम यूज़ करके उस बॉक्स को ओपन कर लिया। यहाँ पे तो कुछ सामान ही उठने रहा। सो गाइस, तो मेरे को लग रहा है कि जो क्यूब से उसके कलर्स को हम उसमें डालना पड़ेगा। यहाँ पे हम इस कलर को याद रखते हैं, रेड पर्पल येल्लो वाइट। यहाँ पे हमें जो कलर्स पैटर्न डालने पड़ेंगे, यहाँ पे रेड ब्लू येल्लो वाइट। यहाँ पे हमने ओपन कर लिया, इसमें से हमें कुछ तो बॉटल मिल चुके हैं।
इस बॉटल का कुछ तो इस्तेमाल होगा। यहाँ पे जो कोड है, यहाँ पे जो बॉटल थी उसमें तो कुछ था, यहाँ पे हमें एक कोड मिल चुका है। यहाँ पे जो मेरे को लग रहा है कि गाइस, तो मुझे लग रहा है कि ये टाइम है, इस टाइम को हम क्लॉक में डाल के देखते हैं हमें क्या मिलता है। सो गाइस, तो यहाँ पे हमें एक चाबी मिल चुकी है, इसको हम डोर में लगा कर देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे तो हमारी चाबी लग चुकी है और हमारा डोर तो ओपन हो चुका है। सो गाइस, तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।